जन्म होता है ग्राम में, हम पेरेंट्स हमारे से ज्यादा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना शुरू करते हैं। और तब समय आता है बच्चे के स्कूल जाने का। हम सभी को ज्ञात है वर्ष 2008 में टॉय मॉडल स्कूल की स्थापना हुई और विगत 15 वर्षों से आप सभी के अथक प्रयास से और निरंतर की गई निरंतर बच्चों के ध्यान रखते हुए आप जो बच्चों को दे रहे हैं उनके लिए हम सभी की तरफ से मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। एक सकारात्मक स्कूल की संस्कृति का निर्माण करना और उसको यहां तक ले आना यह कोई सामान्य बात नहीं है। साथ ही विगत 15 वर्षों से जो आप लोग मेहनत कर रहे हैं और हम जैसे पेरेंट्स के बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, मैं तहे दिल से बोलना चाहता हूं कि ये सिर्फ स्कूल नहीं है, हमारे संस्कार का बीजारोपण करना, बच्चों में संस्कारों का बीजारोपण करना, उनको अनुशासन देना, तकनीक का आप बिल्कुल खुद से देख सकते हैं कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो सब जानते हैं इस बात को कि व्हाट्सएप पर इंस्टाग्राम पर जो पारदर्शिता के साथ में बच्चों का जो मिंगल होते हैं, जो बच्चों के साथ में खेलते हैं उनका वीडियो आता है, तो एज ए पेरेंट्स हमें बहुत गर्व फील होता है और बहुत रिलैक्सेशन फील होता है कि हमारा बच्चा आज बिल्कुल सही हाथों में है, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मैं माननीय श्री तांतेर साहब का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। साथ ही आप लोगों से चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कोमल मैम का। प्लीज प्लीज कम ऑन द स्टेज, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन द स्टेज। प्लीज आप तालियां बजाते रहे, प्लीज आप तालियां बजाते रहे। कोमल मैम, सीता मैम, अंजू मैम, ममता मैम, प्लीज 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 तालियां जारी रखें। बच्चों के सर्वांगीण विकास में न सिर्फ शिक्षा बल्कि अदर कोकरिकुलर एक्टिविटी का भी बहुत ही बड़ा रोल है। मैं इसीलिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आज के कोरियोग्राफर श्री शैलेंद्र जी का, जिन्होंने इन बच्चों को इतना प्रेरित किया, इतना तैयार किया कि आज हमारे सबके सामने ये बच्चे परफॉर्म कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच एवरी टीचर्स, एवरी वन इन द हॉल अवेलेबल फॉर गिविंग आवर चाइल्ड अ वेरी वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल फ्यूचर। थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, चलिए सारे सुख दर्द भूल जाते हैं, चलिए सारे दुख दर्द भूल जाते हैं, चलिए आज फिर अपने बचपन के स्कूल के दिनों में चले जाते हैं, चलिए आज फिर अपने बचपन के स्कूल में चले जाते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरी वन। सो भाई आजकल इंडिया में क्या चल रहा है? ट्रेंड चले और टाइम जो है कि बच्चे आज टाइम जो है स्कूल का एनुअल फंक्शन वुमेन डे 2024 का आयोजन हो रहा है। ये स्कूल 2008 से अपना एनुअल फंक्शन इसी तरह से आयोजित करता आ रहा है। इसमें हम बच्चों को स्टेज प्रोवाइड करते हैं और डांस के द्वारा उनकी पोइम, स्टोरी टेलिंग, प्ले और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज से बच्चे अपना परफॉर्मेंस देते हैं। और इस अवसर पर हम सभी पेरेंट्स के लिए भी कुछ आयोजन रखते हैं और इस प्रकार हर वर्ष हम कुछ नया करके इस कार्यक्रम को बच्चों के अंदर जो कुछ इस उम्र में विकसित करना चाहिए उन सब क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। ये स्कूल जो बच्चों में संस्कार प्रदान कर रहा है उसे देखकर मुझे भी मेरे बचपन की बात याद आती है। जब मैं प्राइमरी सेक्शन में पढ़ता था तो हमें सप्ताह में एक दिन असेंबली में बोलने के लिए कहा जाता था।
पहले झिझक होती थी, लेकिन उसका परिणाम ये निकला कि मैं आज कहीं पर भी किसी तरह से बात कर सकता हूँ। तो इस प्रकार के संस्कार बच्चों में कैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उनमें सेल्फ डेवलपमेंट होने में मदद करता है।